हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, तो आज का वीडियो मैं बहुत ही अच्छा यूज़फुल रिव्यू लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि क्या रिव्यू लेके आई हूँ। तो मैं आज ना मामाअर्थ का ये नीम टीटी फेस वॉश लेके आई हूँ। आजकल की लाइफ जो हमारी इतनी पॉल्यूशन वाली है, फेस वॉश का तो बहुत ही एक रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। तो गाइस, अब आप पूछेंगे कि यही प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया, तो इसका रीज़न क्या है कि 1-2 साल में जो इतनी तेज़ी से मामाअर्थ की ग्रोथ हुई है, इसके प्रोडक्ट के जितनी ही सेल हुई है, जितनी ग्रोथ हुई है, उसको लेकर मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए। तो मैंने ट्राई किया, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एक्चुअली में इसमें जो एक्ने और पिंपल्स के लिए तो बहुत बेस्ट है, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। मेरी स्किन ड्राई है, तो ड्राई में क्या होता था, कोई फेस वॉश मैं यूज़ करती थी तो बहुत हार्श, जैसे यूज़ करने के बाद स्किन काफ़ी ना ड्राई ड्राई सी लगती थी। इसको यूज़ करने के बाद मेरा एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा कि स्किन बहुत ही स्मूथ सी हो गई। तो मामाअर्थ का टीटी नीम फेस वॉश है, इस तरह की इसकी ट्यूब है देखिए, और इसकी जो मैं आपको सारा इसका आज बताऊंगी, बेनिफिट्स क्या है और किस स्किन के लिए है, सब कुछ इसमें मेंशन भी है। और आप इसको खरीदे तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सूट करेगा कि नहीं। इसकी जो प्राइस है 249 है, और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है कम ज़्यादा कुछ आपको मिले। कई बार सेम रेट नहीं रहते, अप डाउन होते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं, लिंक मैं आपको इसका दे दूंगी। इसमें आपके विद टी ट्री और नीम है, तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मैं काफ़ी यूज़ मैंने किया, तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। तो टी ट्री है और नीम भी है। नीम तो हमारे फेस के लिए मोस्टली जो एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल्स है, उसके लिए नीम तो एक वरदान है। तो इसमें मेंशन भी है फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। और गाइज, जिन जो लोग पैराफिन SLS फ्री देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट हो गया ये। और ये मेंशन भी है स्किन ऑल टाइप है, ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन वाले सोच रहे मैं नहीं यूज़ कर सकता, नॉर्मल वाला मैं नहीं यूज़ कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मगर गाइज, एक चीज़ और होती है, ऐसा आप मत सोचिए कि अगर मेरी स्किन पे सूट कर रहा है तो आपको भी करे। हर स्किन टोन अलग होती है। सब मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं आपको शेयर कर दूँ, बस यही एक रीज़न है। बाकी यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको वो सूट करता है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट ले, चाहे वो फेस वॉश हो, कोई भी मेकअप हो, उसको पहले थोड़ा सा टेस्ट कर ले अपने हाथ पे लगा के या नेक पे लगा के, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि इरिटेशन होने लगती है। तो ऐसा ना हो डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई ना करें, क्योंकि फेस जो है हमारा बिल्कुल एक फ्रंट लुक देता है। तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करें कि हमारा फेस किसी भी चीज़ से हार्मफुल हो। और गाइस, इसकी जो नेट वेट है वो 100 ml है, और पीछे हम देखेंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है, इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो भी बहुत माइल्ड और अच्छी है। अच्छा, मुझे ध्यान आया, इसका जो टेक्सचर है वो इतना माइल्ड है कि जब अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा नहीं आप कुछ अप्लाई कर रहे हो। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, और एक्ने पिंपल्स के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि देखो, पिंपल्स में हम जब कुछ लगाते हैं तो हमें डर लगता है कि यार कोई चीज़ हमें और हार्म ना कर जाए। और सारा इसमें यूज़ करने का प्रोसेस भी दिया हुआ कि किस तरह से यूज़ करना। फेस वॉश यूज़ करना तो बहुत आसान है, यूज़ करने से पहले अपने स्किन को रनिंग वाटर से एक बार धो ले, वो गीला गीले में ही आपको फेस वॉश अप्लाई करना है। आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन फॉर यूज़ पीछे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेना है, वेट करके आपको उसको सर्कुलर मोशन में लगा के फेस को रनिंग वाटर से क्लीन करना है। अब वो खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो गई है। तो 1-2 प्रोडक्ट मैंने इसके और लिए हैं, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला तो मैंने इसको यूज़ किया। तो इस कंडीशन में आप स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल वीडियो हो सकता है, कई लोग कन्फ्यूज्ड है फेस वॉश को लेके, तो वो इस वीडियो को लेके काफ़ी उनको यूज़फुल भी रहेगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके, प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें गाइज, और दूसरों को भी शेयर करें।